अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि चैप्टर नंबर हमारे पास 17 आता है फिजिक्स ऑफ सॉलिड में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ये पढ़ेंगे कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो डिफॉर्मेशन कैसे होती है। हम लोग इसको कह सकते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। अब डिफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है डिफॉर्म हो जाना, यानी कि चेंज हो जाना। अब चेंज जो है वो किसी भी सॉलिड के अंदर लेंथ के अंदर भी आ सकती है, वॉल्यूम के अंदर भी आ सकती है और एरिया के अंदर आ सकती है। अब ये चेंजिंग किस वजह से आती है, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको फिजिक्स में हम लोग स्ट्रेस का नाम भी देते हैं। कि अगर हम लोग किसी भी एक सॉलिड के ऊपर जो है वो क्या करें, एक स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करें, तो उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप, जिसको हम लोग एरिया का नाम देते हैं, उसमें अगर कोई चेंजिंग आती है तो उसको हम लोग डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का नाम देते हैं। अब डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एग्जांपल है वो फोर्स अप्लाई ऑन रबर बॉल। अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास ये रबर बॉल है वो अपनी ओरिजिनल शेप में है, लेकिन जब हम क्या करते हैं इसके ऊपर कोई स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके वॉल्यूम में क्या होती है, कमी आ जाती है, वॉल्यूम इसका चेंज रहता है। लेकिन अगर हम क्या करें, दोबारा से इस फोर्स को रिमूव कर दें, तो हमारे पास वो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चली जाएगी। तो इस तरह देखें कि फोर्स के अप्लाई करने से उसकी शेप या वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंजिंग आई है। और ये जो किसी सॉलिड के अंदर है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंदर, एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने पर उसकी शेप वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, दूसरी एग्जाम्पल में ये कि हमारे पास कोई भी एक रबर स्ट्रिंग है। अब हमने क्या किया, रबर स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, उसको स्ट्रेच किया, उसको खींचा। जब उसको खींचते हैं तो उसकी लेंथ के अंदर चेंजिंग आ जाती है, वो बढ़ जाती है। जो ही ये फोर्सेस को रिमूव किया जाता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग देखिए दोबारा जो है अपनी उसी ओरिजिनल कंडीशन में चली जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा है कि जब किसी भी सॉलिड के अंदर है, वो चाहे रबर बॉल हो या दूसरे हमारे पास हो, तो इसके ऊपर जब एक फोर्स अप्लाई की जाती है तो उनके लेंथ, वॉल्यूम या एरिया में चेंजिंग आ जाती है, और इस चेंजिंग का नाम है वो डिफॉर्मेशन का नाम है। दूसरे नंबर पर ये तो हमारे पास अगर देखा जाए डिफॉर्मेशन होती है वो मार्फस सॉलिड में या फिर हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास क्रिस्टल सॉलिड्स हो, क्रिस्टल सॉलिड्स कौन से होते हैं, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम जो होते हैं वो अरेंज फॉर्म में होते हैं और वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रोटेट करते हैं, वहीं पर रहते हैं। लेकिन जो क्या किया जाता है, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, तो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एटम्स होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होते हैं, परमानेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं। जब वो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएंगे तो इसको फिर हम नाम देंगे डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल सॉलिड्स, यानी कि टोटली वो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इन केस में एक ऐसा सॉलिड आ जाए हमारे पास कि जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है, तो उस सूरत में वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने पर अगर वो सॉलिड जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर चला जाता है, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होता है, इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक सॉलिड की जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई गई तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए और वो फोर्स को रिमूव करने पर दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो बॉडी की इस एबिलिटी को जो है वो हम लोग इलास्टिसिटी का नाम देंगे। दोबारा से बताता हूँ कि इलास्टिसिटी हमारे पास किसी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है, ये सॉलिड की ऐसी एबिलिटी है जिस पर क्या किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद रिमूव किया जाए और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। अब उसके बाद आते हैं स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस, बेसिकली किसी भी बॉडी के या किसी भी सॉलिड के ऊपर जो है वो फोर्स उसके यूनिट एरिया पर जो लगाई जाती है, उस फोर्स का नाम जो है वो स्ट्रेस है। अब हम लोग इसको जब डिनोट करते हैं सिग्मा साइन से, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स का यूनिट एरिया, इसका ऐसे यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो हमारे पास पास्कल के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो तीन डिफरेंट किस्म की बॉडीज के ऊपर लगाकर तीन डिफरेंट किस्म की चेंजिंग की जा सकती है। तो उसके बिहार पर हम लोग जो है वो इसकी टाइप्स जो है वो देखते हैं। सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाए, जिस तरह के मैंने आपको ये रबर स्ट्रिंग में बताया। अगर क्या हो, उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाए स्ट्रेस के अप्लाई करने की वजह से, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाए और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाए, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो है वो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके एरिया में चेंजिंग
लगाते हैं तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस का नाम लेते हैं।